ऐसे ऐसे वाला जो बंच में होता है ये अच्छा लगता है। यस, जस ऐसे ही रहे, रख दो एक जगह कहीं। एवरीवन नमस्कार सलाम राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली इन यूके ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, हम लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं। और आज मैं जॉब से आने के बाद सोई नहीं जाके, क्योंकि बच्चे हैं ना घर में, उठ जाते हैं तो जल्दी ही उठते हैं वो वीकडेज में। उनको इसको ही स्कूल की आदत होती है, ये नहीं कि जैसे स्कूल नहीं है तो देर तक सोते रहें। ये क्रिसमस डे के बाद मैं जॉब पर 2 दिन गई हूँ, उसके बाद से मेरा हॉलीडे फिर स्टार्ट हो गया है और अब ये 3 तारीख तक रहेगा मेरा हॉलीडे। तो मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि बाद में सुबह का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं रिलैक्स होकर आराम से सोऊं। तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, हस्बैंड भी यही खा लेंगे तो मुझे शांति रहेगा और मैं आराम से थोड़े देर आराम कर सकूँगी। तो पोहे बना ले रही हूँ। पोहे के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल थोड़ा सा लिया है, उसमें जीरा डाला है और थोड़ा वो वाली काली वाली राई है, जो काली वाली सरसों होती है वो लिया है, और थोड़ा हींग ले लिया है, और यहाँ पे 2-4 मैंने ऐसे ग्रीन चिली ले लिया है, क्योंकि बेटा मेरा पोहा नहीं खाता है। हालांकि उसने ट्राई किया था, बोला कि आई स्टिल डोंट लाइक इट, बट हमने ट्राई किया मम्मा, उसने थोड़ा सा ट्राई किया था, उसको पसंद उतना नहीं है बट खा लिया था उसने। तो और छोटे वाले ऐसे चिली बड़ा बड़ा रहेगा ना तो अलग करके दे दूँगी। और फिर साथ में यहाँ पे मैंने करी पत्ता डाल दिया है, ये फ्रोजन में रखती हूँ, तो फ्रिज में आपके पास अगर आप मेरे तरीके से बना रहे हों तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास फ्रोजन है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 हैंडफुल करीब ले लिया है मूंगफली का दाना। इसको सबको मैं तड़के के साथ ही भून लूँगी। जब ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, अच्छे से क्रैक हो जाएगा, तड़कने लगेगा, तब इसमें मैं फिर प्याज कटा हुआ स्लाइस डालूँगी। आप चाहें तो अगर आपको मूंगफली पहले भून के निकालना हो तो आप पहले भून के निकाल लीजिए और उसके बाद में तड़का बनाइए और फिर आप उसमें प्याज भून लीजिए। ऐसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैं जैसे बनाती हूँ मैंने आपके साथ वैसे शेयर किया है। तो साथ में यहाँ पे मूंगफली अच्छे से भुन गई है हमारी, और जब 5% बचती है ना उसी समय मैं ये प्याज भून लेती हूँ। स्लाइस कटा हुआ है बारीक, मैंने हाथ से ही काटा था, और ये इंडियन प्याज है तो देखिए कैसे पिंक वाला प्याज होता है ना, जब मैं इंडियन शॉप जाती हूँ तो ले आती हूँ, तो फिर एक ही प्याज मैं रखती हूँ, मैं 2 प्याज नहीं रखती, तो ये पूरा एकदम अलग अलग हो जाता है, बिल्कुल इंडिया में जैसे खाना बनाओ तो वैसी फील आती है। फिर जब प्याज थोड़ा भुन गया है उसको भी मैंने हल्का ट्रांसलूशन होने तक ही भुना है, उसके बाद यहाँ टमाटर डाल दिया है, और टमाटर को भी एकदम पतला पतला सा छोटा छोटा सा काट लिया है मैंने बारीक हाथ से ही। इसे कभी भी मैनुअल चॉपर में या किसी भी चॉपर में चॉप नहीं करना है, जस्ट हाथ से ही चॉप करना है। तो और ये देसी टमाटर है, और देसी टमाटर की पहचान वही होती है जो बिल्कुल जो है डाली ऊपर से लगी होती है, और जब इंडियन शॉप में जाती हूँ तो देसी टमाटर मैं वहाँ से ले आती हूँ, और काफ़ी जूसी होती है, सॉफ्ट होता है और बिल्कुल राउंड होता है। और जो हाइब्रिड वाला टमाटर होता है, तो कभी भी आपको देसी और विदेशी टमाटर में पहचान करनी हो, हमारे इंडिया में 2 तरह का टमाटर आता है, एक देसी और एक विदेशी, तो विदेशी में आप यही देखेंगे कि वो टाइट होता है, उसका छिलका तक जो उसका स्किन होता है वो भी नहीं गलता खाने पर, तो और वो जैसे ऐसे पैकेट में जड़ के साथ नहीं होता है। तो बचपन से ऐसे ही देसी और विदेशी में अंतर सुनती आई हूँ, और गलता भी वो नहीं है, और हमारा देसी टमाटर टेस्टी भी होता है, पौष्टिक भी होता है, और खाने में भी वो अच्छा लगता है, बट ये जो काफ़ी चीवी होता है ये नहीं अच्छा लगता। तो मैं हमेशा इंडियन शॉप से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर लेकर आती हूँ जब भी जाती हूँ, अभी जल्दी गए थे तो ले आए थे, बाकी तो जो यहाँ मिलता है वही खाते हैं हम लोग।
लेकिन जो दाल के साथ आते हैं उसी का पहचान होता है कि ये देसी है और ये विदेशी है। जो दाल में होते हैं वो विदेशी नहीं माने जाते, वो देसी होते हैं, अपने काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो हाइब्रिड टमाटर तो खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, सब जो है हाइब्रिड की लाइफ हो गई है लोगों की। हर मौसम में हर दिन हर चीज़ें यहाँ मिलती हैं, तो हाइब्रिड ही खाना पड़ता है। क्या किया जाए, जानबूझकर खाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा बचाव के साथ खाएंगे तो वही चीज़ें आपको नुकसान नहीं फ़ायदा करेंगी। चलिए फिर इधर आ जाते हैं पोहे की तरफ। और पोहा मैंने जैसे बताया कि मैं धुल के ऐसे सीधे डाल देती हूँ, मैं इसे भिगोती नहीं हूँ, इससे काफ़ी खिला खिला सा होता है पोहा। जब थोड़ा सा टमाटर गल गया, जैसे इसमें थोड़ा नमक मैंने डाल दिया था तो जल्दी गल जाता है, तो जब टमाटर सॉफ्ट हो गया हल्का, तो क्योंकि ये देसी है तो जल्दी टमाटर ये सॉफ्ट हो जाता है, उसमें मैंने पोहा डाल दिया है। फिर चला दिया सबको एक साथ, और साथ में अच्छा मैंने हल्दी भी डाला था और गरम मसाला डाला था जब मैं टमाटर डाली थी उस टाइम पर, क्योंकि आपसे बात कर रही थी तो मिस हो गया तो बता देती हूँ। और अब मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, बस एक मतलब टी स्पून के करीब, और बस सबको मिला के, और लास्ट में यहाँ हरी धनिया से गार्निश कर दिया है, और साथ में चाय चढ़ी हुई है साइड में, आपको दिख रही होगी। चाय बना लूँगी तो मैं, मेरे हस्बैंड चाय ले लेंगे, और बच्चे जो है अपना दूध ले लिए हैं। और शिवांश को इतना पोहे नहीं पसंद है, लेकिन उसने ट्राई किया था थोड़ा बहुत, प्रियंका को पसंद आया था, वो खाती है, बट शिवांश ने मेरे कहने पर थोड़ा सा ट्राई किया था। और धीरे धीरे बच्चे ऐसे खाते हैं, जब चीज़ों को आप बना कर दोगे तो वो पसंद एक पॉइंट पे हो जाता है उनको। एक टाइम आता है जब वो मांग मांग के खाने लग जाते हैं, जब वो जानेंगे नहीं कि कौन सा खाना कैसा है तो वो क्या जानेंगे और कैसे खाएंगे। तो मैं ऐसे बनाती रहती हूँ, ट्राई करवाती रहती हूँ, और धीरे धीरे आदत हो जाती है बच्चों को। और ये देखिए कितना खिला खिला सा पोहा हुआ है। नॉर्मली पोहा मैंने बहुत लोगों का देखा है मैसी हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, भिगो के जो देर तक रखे रहते हैं उससे होता है। मैं ऐसे बनाती हूँ, मेरा कभी नहीं बिगड़ा है, कभी नहीं मैसी हुआ है। और अगर मतलब बाद में, अच्छा इसमें आप अगर नींबू डालना चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, और लेकिन मैंने इसमें मसाला डाला है चाट मसाला, तो अच्छे से वो खट्टा हो गया है, तो नींबू की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चाय हमारा रेडी है और पोहे, आज ही हम नाश्ता करेंगे। और मैं शावर वगैरह ले चुकी हूँ सुबह ही अपना आने के बाद जॉब से, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये दाल मोट, मतलब दाल मोट नहीं है, ये जो तीखी वाली नमकीन होती है ना, दाल भी मिली होती है इसमें, वो लेकर आई थी, तो वो थोड़ा मैंने डाल दिया है। और बस यहाँ बच्चे भी अपना नाश्ता करके बैठ गए हैं, और अब इसके बाद जब मैं सोऊंगी ना थोड़ा देर, तो मुझे आराम रहेगा और मन को सुकून रहेगा कि हाँ सब खाए पिए हैं, तो थोड़े देर में अच्छे से आराम कर लूँगी, यहाँ बच्चों को भी खिला दूँगी। और सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी, क्योंकि क्रिसमस के बाद से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। एक्चुअली मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं, मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स के जरिए आपके साथ बनी रही हूँ, लेकिन मैंने कोई ऐसे वीडियो अपलोड नहीं किया। भैया थे, भाभी बच्चे सब घर में थे, 27th को वो लोग गए हैं, उसके बाद ही मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बहुत शोर भी था और घर में कोई ऐसे रहे तो फिर हर वक्त कैमरा लेके घूमना अच्छी बात भी नहीं होती है। और हस्बैंड यहाँ पे कर्टन वाला रॉड सही कर रहे हैं, क्योंकि रामकृष्ण ने खींच के उसको नीचे कर दिया है। उसके बाद मैंने सोचा आज थोड़ा नेल पेंट लगा लेते हैं, क्योंकि अब मेरी छुट्टी है और जॉब पर अब मैं लौटूंगी 4 को, तो यहाँ पे मेरा हाथ से खाने की आदत है ना, और मैं हाथ से खाना खाती हूँ, तो वो भी है कि पेंट लगा लो तो वो नेल में से निकलता है पेंट, बहुत जल्दी जल्दी कामकाज में निकल ही जाते हैं, नेल पेंट वापस से उखड़ जाता है, तो फिर इससे अच्छा है कि ना ही लगाओ। और खाने में भी रोटी छोटी बनाओ या आटा वगैरह छुओ तो उसमें भी जा सकता है। और प्रियंका को थोड़ा मैं यहाँ स्टाइल मार के बता रही हूँ कि मैं तुम्हारे स्टाइल में ऐसे ब्लो करती हूँ, प्रियंका भी ऐसे लगा के नेल पेंट स्टाइल मारती है मेरे सामने, तो मैं आज उसको स्टाइल मार के बता रही थी। यहाँ माँ बेटी की बातें हो रही हैं, उसने मेरे हैंड में लगा लिया और बोला कि मम्मा एक पॉलिश लेकर अभी आएंगे, ऊपर से उसने कुछ पॉलिश लगाया है, जाने क्या है, मुझे भी नहीं मालूम था, अभी तक तो मैंने कभी लगाया नहीं, तो
तो पैर में मैंने लगा लिया, क्योंकि कहते हैं कि कन्याओं से पैर में पैर नहीं छुआते हैं, तो पैर में मैंने अपने आप से लगा लिया है। मेरे घर में ऐसा बोलते थे, मेरी दादी पापा सब लोग बोलते थे कि वो लोग मेरा आज तक पैर छूते हैं और मैं छू लेती हूँ पापा का अपने, लेकिन मेरी दादी नहीं कभी छुआती थी मुझसे पैर, कहती थी मुझे नरक मिलेगा, मेरे घर में जो है कन्याएं पैर नहीं छूती हैं। तो अभी भी शादी के बाद भी जब भी मैं गई, दादी थी जब तक तब तक वो मेरा पैर छूती थी। मेरे पापा भी अभी छूते हैं मेरा पैर। तो ऐसे ही मेरी भी आदत है, मैं अपनी बेटी से अपना पैर नहीं छुआती हूँ। कन्या है वो, कन्या का रूप है, और यहाँ पर वो कोई पॉलिश लेकर आई है, लगा रही है। ये जब से मेरा हाँ थम कटा था तब से सही से इस पे नहीं आया नेल। और तुम्हारा और थोड़ा सा ये माँ बेटी की बाउंडिंग टाइम है, और वो मेरे दिल की बात समझ लेती है, मैं उसके दिल की बात समझ लेती हूँ। बहुत समझदार हो गई है प्रियंका अभी तो, और जस्ट वो 12 साल की है, लेकिन एज के हिसाब से उसकी जो है बुद्धि बहुत जल्दी आ गई है, रिस्पॉन्सिबल भी है वो काफ़ी, और केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है प्रियंका, जस्ट लाइक मेरी तरह। और नेल पेंट लग गया था, उसके बाद मैं सोने चली गई हूँ, और अब गोधूली मतलब शाम का टाइम है, धीरे धीरे दिन ढल रहा है। आजकल तो 3 से 4 बजे ही जो है ऐसे हो जाता है अंधेरा, और बस यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये सनलाइट जो है जो बाहर लगा हुआ है गार्डन में, शिव जी के पास भी मैंने लगा रखा है एक अपने शिवलिंग जो है वहाँ पे, और ये 4 जो है लाइट, ये मैंने टेमो से ही लिया था, बाकी दिवाली लाइट सारा मैंने निकाल दिया है, और वो तो पहले ही निकाल दिया था क्रिसमस के पहले ही। और आज जो है ये लाइट यहाँ पे ट्री भी हटा देंगे, क्योंकि अभी रामकृष्ण से रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है, हर वक्त बंद करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि बच्चों का स्कूल खुलने से पहले ही, ये न्यू ईयर होने से पहले ही इसको हटा दो, इसके अंदर ही रखना। Last time. Bye bye lights. ऐसे ऐसे वाला जो बंच में होता है ये अच्छा लगता yeah, है। Let's go. Yes, just ऐसे ही रहे, रख दो एक जगह कहीं। No, you could put it in front of the door. You could put it like in front of the door. Or make it a bird's nest. चलो, उतार दो। पापा अभी इसको पैक कर देंगे। Just तुम लोग इसको खाली खोल के रख दो। This time I'm gonna write on the box Christmas decorations, cause that's what Daddy left. It doesn't say on here Christmas decorations. Christmas decor, right there. और अब आ जाते हैं डिनर टाइम में। तो डिनर में मैंने आलू की कचौड़ी बना दिया था, और ये फ्रिज में रखा हुआ था खीर, क्योंकि भैया भाभी बच्चे थे तो उस समय मैंने खीर एक दिन बनाया था, बीच में 26 तारीख को बनाया था, तो वो खीर रखा हुआ था, तो खीर से बच्चे खा लेंगे डिनर ये। और सुबह में बनाया था लंच में दाल चावल और सोया मेथी पालक मिला के साग बनाया था, तो मैंने तो साग और चावल, मुझे ऐसे सोया मेथी पालक बहुत दिनों के बाद बनाया था, तो मैंने तो चावल के साथ सोया मेथी पालक का साग खाया था, और बच्चों ने दाल चावल साग खाया था सब ने, हस्बैंड ने। उसके बाद ये गैस की जो चिमनी होती है उसका फिल्टर है, और मैं डिश वॉशर में लोड लगा रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी इसी के साथ धुल देती हूँ। दिवाली के टाइम में साफ़ हुआ था, तब से टाइम नहीं मिला साफ करने का, तो बस इसको, इसमें अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले इस किचन में जब हमारा पुराना किचन था
तो डिशवॉशर नहीं था तो फिर हाथ से ही करना पड़ता था, लेकिन अब जब से डिशवॉशर पिछले 3-4 सालों से आराम हो गया है और इस मिनटों में ये मतलब सुबह में हमको ये साफ मिलेगा। तो यहाँ पे फिर जो चिमनी के अंदर का जो सीन होता है वो बहुत ही ग्रीसी होता है। हम लोग करते क्या है, ऊपर से तो चमका देते हैं, इसको साफ सुथरा रखते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन जब आप चिमनी हटाते हो उसके अंदर जो फिल्टर हटाते हो तो उसके अंदर जो मोटर वगैरह होता है उस पर बहुत ही ग्रीसी जैसा जम जाता है, ग्रीस हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का इंडियन किचन है। तो जब भी मैं या मेरे हस्बैंड इसको हटाते हैं, क्लीन करते हैं, तब तब यहाँ पे अंदर तक सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे किचन स्प्रे से मैंने स्प्रे करा है, थोड़ी देर छोड़ दिया है और उसके बाद ये सब ग्रीस आउट हो गया है। एक जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है, उससे इसको साफ कर दिया है। और ये देखिए जरा कपड़े का हाल कैसा ग्रीसी ग्रीसी सा हो गया, फट भी गया है वहाँ पे फंस के। नया क्लॉथ लिया है, वो क्लॉथ किसी काम का नहीं है, वो फेंक दूंगी। नया क्लॉथ ले लिया है और जस्ट प्लेन वाटर से, वार्म वाटर से इसको धुल के और ऐसे चारों तरफ से पोंछ दूंगी। बस इतना ही काम इसमें है, क्योंकि आप जब बराबर साफ कर देते हो तो कोई चीज़ जैसे इकट्ठा नहीं हो पाता, नहीं तो एक पॉइंट पे ये एक स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाएगा और फिर वो जब बाद में फिर वो एक स्मेल जैसा बन जाता है और अच्छा नहीं लगता। और ये जो देख रहे होंगे आप, देखिए एकदम साफ हो गया है। ये जो जो आपको दिख रहा होगा इधर में थोड़ा सा निशान जैसा, क्योंकि ये ऑयल का निशान रह ही जाता है। एक मैंने बहुत साफ़ किया लेकिन नहीं निकलता, लेकिन इसमें कोई ऑयल नहीं रह गया है। किसी दिन टाइम लगा के इसको थोड़ा सा स्क्रब कर दूंगी तो निकल जाएगा। फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही जितना मुझसे हो सका मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो हमारा ये चिमनी जो है रेडी है, सुबह फिल्टर भी साफ़ हो जाएगा और लगा दूंगी। गैस एकदम पोंछ दिया है, किचन हमारा रेडी है। और इधर साइड का वॉल जो होता है यहाँ भी छटक जाता है, तेल घी तो छटकता ही है, उसको भी साफ़ कर दिया। ये सब तो डेली बेसिस के चीज़ें होती हैं, डेली बेसिस पे होती हैं और घड़ी में आपको दिख रहे होंगे 11:30। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। सुबह से लेकर अब तक जो मैंने किया वो आपके साथ शेयर किया। और ये मनी प्लांट है, 2 पत्तियाँ लगाई थी हमने और 2 पत्तियों से 4 हो गई हैं और 5वीं जो है यहाँ साइड से निकलने वाली हैं। तो और आज पानी वगैरह इसका चेंज किया था ना, ये मैं दिखा रही थी नई पत्ती आ रही है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आने वाला मतलब ब्लॉग आपको न्यू ईयर पे मिलेगा और जिस दिन आपको ये ब्लॉग मिलेगा ये उस दिन होगा न्यू ईयर ईव। तो आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो, आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी जो इच्छाएं हो वो सब आपको मिलें। बस इसी आशा के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। और सपने देखना मत छोड़िएगा, सपने ज़रूर देखिए, जब सपने देखेंगे तो ही ट्रू होंगे। तो सपने देखिए, उसको अचीव करने की कोशिश करते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को और मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, बाय बाय।